जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी एकदम तंदुरुस्त हैं। तो चलिए आज चेक कर रहे हैं कि वीडियो कैसा बन रहा है। तो छोटा सा टॉपिक है एटम, इसी को हम समझ लेते हैं। देखिए एटम व्हाट इज, इस बात को बताने के लिए ना बहुत से वैज्ञानिक आए हैं। उसमें सबसे पहले आए थे महर्षि कणाद। वो क्या कहें, कहें कि आप कोई सा भी पदार्थ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, उसको तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके जो पार्टिकल रहेंगे उनको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाएंगे। वही क्या है, एटम। ठीक, यानी कि जो इनडिविजिबल पार्टिकल है वही क्या कहलाएगा, एटम। ये महर्षि कणाद बताए थे 500 ईसा पूर्व। लेकिन अगर हम मॉडर्न थियोरी के अनुसार देखें तो देखिए एटम क्या है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक, यानी किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एटम। इसके अलावा आप जानते रहिए, ये जो है कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी ये क्या लिख सकते हैं, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और तो ये बिना टूटे फूटे केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, यानी विदाउट डिसोसिएशन। ठीक, तो अब इस तरह से आप क्या डिफिनीशन बना सकते हैं। तो जो मॉडर्न थियोरी है वो कहती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन विदाउट डिसोसिएशन। तो आप लोग भी लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन विदाउट डिसोसिएशन इज कॉल्ड एटम। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बताइंग। और एक बात जानते रहिए, ये फ्री स्टेट में नहीं रहता, यानी ये जो है नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो अब यहाँ सवाल आ जाता है कि बबुआ जब ये फ्री स्टेट में नहीं रहता तो आखिर ये रहता कहाँ है। तो याद रखिएगा, ये एग्जिस्ट करेगा किस रूप में, तो दो रूप याद रखिएगा, एक तो आयन के रूप में आयन्स और दूसरा मॉलिक्यूल्स। यानी जैसे ही मोर देन वन एटम होंगे, एक से ज़्यादा एटम वो आके धड़ाधड़ जुड़ जाएंगे, यानी केमिकल बांड बना लेंगे, और क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल, या कह लीजिए किस रूप में रहेंगे, आयन। अब ये आयन जो हैं, यानी जिन पर चार्ज रहे यार, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाएंगे, केटायन्स, और अगर निगेटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाएंगे, एनायंस। तो का क्या है, आप लोग याद रखेंगे कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये टूटता फूटता बिना टूटे फूटे पार्टिसिपेट करेगा, यानी विदाउट डिसोसिएशन, और ये नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और एग्जिस्ट करेगा तो किस में, तो याद रखिएगा आयन के रूप में और मॉलिक्यूल के रूप में। क्लियर है। अब इसके अगर हम देखें फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, या कह लीजिए अगर हम एटम को देखें तो इसके भी कई पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, एक तो हम देख रहे हैं इसके स्टेबल पार्टिकल्स। क्या देख रहे हैं, स्टेबल पार्टिकल्स, या कह लीजिए इसी को कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, और एक इसके अनस्टेबल पार्टिकल हैं, अनस्टेबल पार्टिकल। स्टेबल पार्टिकल में देखिए आता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन आता है, इसके साथ साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं। अनस्टेबल पार्टिकल यानी देखिए ये तीनों सब में पाए ही जाएंगे, हाइड्रोजन जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, लेकिन इधर जो अनस्टेबल पार्टिकल हैं ये रहें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये रहेंगे ही। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा उधर। तो इसमें क्या क्या आता है वो जान लीजिए, इसमें आता है मेसॉन, इसके अलावा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इसके अलावा पॉजिट्रॉन। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक, क्या क्या आज पढ़ें कि एटम क्या होता है और एटम के पार्टिकल। ठीक है, इतना तो याद रहेगा ही। तो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इधर जो अनस्टेबल पार्टिकल है यानी साथ साथ में किसी में पाए जाएंगे किसी में नहीं पाए जाएंगे, क्या है, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन। तो टोटल टोटल तीन थो इधर ये हैं, ज़्यादा करके आप इन्हीं का नाम सुने होंगे, पर आज इन सब का नाम भी जान लीजिए। तो यहाँ ये सब उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।